नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग और आज के अन्य अपडेट न्यूज में। 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग चयन सूची जारी कराने के लिए 14 जून चयन सूची जारी के लिए अधिक से अधिक संख्या में प्रयागराज निदेशालय जरूर पहुंचे और कई चैनल वाले भी सपोर्ट के लिए वहां पर रहेंगे। जर्नलिस्ट श्रुति के अनुसार हमने मंत्री जी और संबंधित अधिकारियों को सेशन में बुलाया था लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन मुहिम नहीं होगी कमजोर, जिम्मेदारी जवाबदेही से कोई नहीं बच सकता है। हम जल्दी प्रयास करके मंत्री जी या अधिकारियों से वार्तालाप करके लिस्ट की सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। 14 जून जो केस है उसके बारे में भी अपडेट दे दें तो देखिए है क्या कि 14 जून को जो होने वाली सुनवाई का आज विश्लेषण किया। इस केस में जो सरकार की तरफ से श्री रणविजय सिंह जी लड़ रहे हैं केस, सरकार की ओर से देखिए ये लड़ेंगे, जो कि एडवोकेट जनरल के सहायक के तौर पर कई केस सरकार की तरफ से इसके पहले लड़ चुके हैं। इनको महत्वपूर्ण केस के लिए उतारा जाता है, अतः 14 जून को इस केस का निस्तारण हो जाता है तो उसके बाद ही तृतीय लिस्ट के बारे में देखने को कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अधिकतर ये कई केसेस जीत चुके हैं, ये 14 की जो केस है क्योंकि 14 के केस के कारण ही लिस्ट जो अटका हुआ है, इसी केस को रणविजय सिंह जो है देखेंगे, जो सरकार के एडवोकेट जनरल के सहायक के तौर पर कई केस लड़ चुके हैं। वहीं ओबीसी के जो नेता अगली चयन सूची के लिए लड़ रहे थे अब वह एमआरसी के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए ये जो लड़ाई है थोड़ी कमज़ोर पड़ रही है, लेकिन जिन्हें लगता है ओबीसी का कि उनका हो जाएगा इस चयन लिस्ट थर्ड काउंसलिंग में, वो लोग जरूर प्रयागराज जरूर पहुँचें ताकि जो थर्ड लिस्ट हो जल्द से जल्द जारी हो सके। वहीं सचिव परीक्षा नियामक ने टीटी आजीवन मान करने के लिए शासन को भेज दिया है प्रस्ताव, जबकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बेसिक शिक्षा में 50,000 से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। ये है उनकी फैक्स और लेटर जो कि विधायक के द्वारा लिखा गया है। वहीं ज्वाइनिंग नहीं मिली तो करने लगे घर वापसी, दरोगा भर्ती हो चुके हैं ट्रेनिंग, कानूनी दाव पेच में नौकरी पेशा अभ्यर्थी परेशान, थक हार कर पुराने विभाग में मूल पदों पर लौटने को दे रहे हैं आवेदन। फैक्ट फाइल क्या है, 2016 में 3,307 पदों पर दरोगा भर्ती निकली थी, 2017 में हुई थी भर्ती के लिए परीक्षा, 800 से ज़्यादा सरकारी नौकरी वाले अभ्यर्थी हुए थे चयनित, 2020 जून में पूरी हो चुकी है ट्रेनिंग लेकिन एक साल बाद भी ज्वाइनिंग नहीं। इस देरी से जहां अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है वहीं यूपी पुलिस को भी कर्मी की कमी से दुचार होना पड़ रहा है। जिम्मेदारी को इस मसले पर जल्द से जल्द कोई हल निकलना चाहिए क्योंकि यह मसला कानूनी व्यवस्था का पालन करवाने से भी जुड़ा है। साथ ही सभी भर्तियों में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी रुकावट के कारण युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ न हो पाए। तो नौकरी छोड़कर के दरोगा बनने के सपना देखने वाले युवा अब अपनी पुरानी नौकरी पर वापसी जाने को मजबूर हो गए, उनकी घर वापसी हो रही है। तो ये ज्वाइनिंग नहीं मिला तो होने लगा है घर वापसी, एक साल बाद भी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं हुई और फिलहाल कोई गुंजाइश भी नहीं दिख रहा अभी ज्वाइनिंग का। तो पुरानी नौकरी से बिना तनख्वाह के व्यर्थ रहने की मियाद भी पूरी हो रही है, साल 2016 में जब निकला था वैकेंसी तब से लेकर के अब तक अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अभ्यर्थियों का क्या कहना है कि अभ्यर्थियों ने इस मामले में लापरवाही का आरोप लगाया, उनका आरोप है सरकार ने गंभीरता से पैरवी नहीं की, कई अवसरों पर वकील सुनवाई में उपस्थित ही नहीं हुए, अगर ऐसा ना होता तो यह मामला जल्द निपट जाता। इस बात को लेकर कई बार शासन में अभ्यर्थी मिले भी लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। तो इस देरी से जहां अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है वहीं पुलिस कर्मियों को भी दोचार होना पड़ रहा है। तो ये कब मिलेगी ज्वाइनिंग, यहाँ पर अपने पुराने विभाग को लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं वे चयनित अभ्यर्थी। और शिक्षा पद्धति और सामाजिक ढांचे को पंगू कर रहे हैं फर्जी मार्कशीट बनाने वाले, ये कहा हाईकोर्ट ने। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि आम आदमी नौकरशाही की मनमानी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उठता है सिस्टम से भरोसा। अवैध गिरफ्तारी, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित हो रही है नीति, आरंभिक अर्हता परीक्षा के लिए 9,02,000 ने कराया रजिस्ट्रेशन, 4,77,000 अब तक जमा हुआ है, परीक्षा अगस्त में होने की तैयारी है PET। वहीं 3 महीने में 69,000 शिक्षक भर्ती के रिजल्ट होंगे घोषित, 3 महीने में 6,000 पदों पर भर्तियों के लिए रिजल्ट होंगे घोषित, आयोग अध्यक्ष ने कहा है। पीटी की तैयारी करने के साथ पुरानी भर्तियों का बैकलॉग समाप्त करना प्राथमिकता है, उम्मीद है कि जून से अगस्त तक पुरानी भर्तियों से जुड़े 6,000 पदों पर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। तो ये 69 दिख गया। यूपी बोर्ड के छात्रों को नाम की त्रुटि सुधारने का मौका मिलेगा, टीटी आजीवन मान करने के लिए अब उत्तर प्रदेश ने भी भेज दिया है प्रस्ताव, यानी कि अब उत्तर प्रदेश के बच्चों को भी मिलेगा लाभ। हौसला, एम्बुलेंस नहीं मिले तो संक्रमित ससुर को पीठ पर लेकर के 2 किलोमीटर चलो बहू, पर नहीं बचा पाई जान। तस्वीर में असम के नगांव की 24 वर्षीय निहारिका दास, कोरोना संक्रमित ससुर को पीठ पर जब एम्बुलेंस नहीं मिला तो खुद पहुंचाई अस्पताल, लेकिन 21 किलोमीटर दूर उन्हें कोविड अस्पताल में ले जाने के लिए कहा गया लेकिन वो पहुंची लेकिन जान नहीं बचा पाई।
21 किलोमीटर से जाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था उन्हें स्टैंड तक जाने के लिए। वहाँ से वे लेके गए लेकिन वहाँ उनके ससुर का निधन हो गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में मनमुटाव को लेकर के भी टीम ने लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों को लेकर के आपसी मनमुटाव देख रहा हूँ, यह शुभ संकेत नहीं है। जब रिक्त पदों पर चयन सूची थोड़े से संगठित और जमीनी प्रयास से आ सकती है, ऐसे में अन्य मुद्दों पर इस समय ऊर्जा लगाना बेवकूफ़ी है। बाकी यदि कहीं किसी का हक अधिकार मारा गया है तो उसे सरकार को आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। पर जिस समय की मांग है कि तीसरी सूची निकलवा लीजिए, ये पद वैसे भी सभी वर्गों से रिक्त है, ये किसी वर्ग विशेषक को नहीं दिए जा सकते हैं, पर भी आपकी लापरवाही 7,000 परिवार की खुशी छीन लेगी। सचेत रहें, राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह चल रहा है कुछ भी संभव है। जनरल ओबीसी एससी का इस समय सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, किसी भी कीमत पर इस सप्ताह जो आ जाए, नहीं तो इंतजार ही करते रह जाएंगे। बाकी जिनको अन्य मुद्दे पर राहत की उम्मीद है वो अपना प्रयास करें, और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद ही ऐसे मुद्दे पर यदि कुछ होना होगा तो होगा, अभी संभव नहीं है। अभी तीसरी सूची के करीब हैं तो उसी को निकलवा लीजिए, इसके बाद इन सब मुद्दों पर भी एक साथ साथ दिया जाएगा।